अस्सलामुअलैकुम, मुझे बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स कह रही थी कि हम बिलीव नहीं कर सकते कि तुम लेफ़्ट हैंड के साथ राइट हैंड के ऊपर मेहंदी लगा सकती हो। तो ये वीडियो प्रूफ के तौर पे मैं पेश कर रही हूँ, अब आप लोगों को यकीन आ जाएगा, ठीक है? और एंड तक देखिएगा, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। बेसिकली बहुत सी मेहंदी डिज़ाइंस लगाने के लिए स्टार्ट हमेशा हैंड से लिया जाता है या बाजू से, मगर इस मेहंदी के डिज़ाइन में मैं पोरों से स्टार्ट इस वजह से ले रही हूँ क्योंकि मुझे अपने ही दोनों हाथों पे मेहंदी लगानी है। तो इसलिए पहले मैं पोरों को कवर करके इनको ड्राई होने के बाद धो लूँगी या मेहंदी उतार लूँगी ताकि ये ख़राब ना हो, और उसके बाद मैं हाथ की हथेली पर डिज़ाइन करूँगी। अगर किसी और के हाथ पे मेहंदी लगानी हो तो वो प्रोसीजर ज़रा इजी होता है, लेकिन अगर अपने ही हाथ पे मेहंदी लगानी हो और वो भी लेफ़्ट हैंड से राइट हैंड के ऊपर, तो वो ज़रा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं राइट हैंड के साथ लेफ़्ट हैंड के ऊपर मेहंदी लगा रही हूँ, ये इजीली अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद मैं अपने राइट हैंड के साथ लेफ़्ट हैंड के ऊपर करूँगी अप्लाई, और ये राइट हैंड के साथ मेरा काम जो है कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका हुआ है। और अब मैं लेफ़्ट हैंड के साथ राइट हैंड के ऊपर मेहंदी लगा रही हूँ। ये बेसिकली बहुत ज़्यादा जो है ना, ये थोड़ी बहुत मेहंदी जो है हाथ पे लग गई है। बेसिकली देखा होगा आपने कि अक्सर मेहंदी लगाते वक्त जो मेहंदी लगाने वाला आता है उसके हाथ ऑटोमेटिकली गंदे हो ही जाते हैं। इसी वजह से जब भी कोई फंक्शन हो तो सबसे पहले तो मैं अपने हाथों को कवर करती हूँ ताकि दूसरों को लगाते लगाते मेरे हाथों का खाना ख़राब मत हो जाए। इसीलिए पहले मैं अपने आप को लगाती हूँ, उसके बाद मैं दूसरे कज़न्स वगैरह या फ्रेंड्स वगैरह को लगाती हूँ। तो ये जो ड्राई हो गई थी राइट हैंड वाली मेहंदी जो है वो ड्राई हो गई थी, ये मैं लगाकर सो गई थी, तो इसीलिए जब मैं उठी तो माशाल्लाह से इसका कलर चेक करें। तो अब मैं इसे उतार रही हूँ। इस तरह लगाने से ये हुआ है कि अगर गीली होती तो ये ख़राब हो जानी थी दूसरे हैंड पर लगाते वक्त, लेकिन ड्राई हो चुकी थी इसीलिए अब कोई मसला नहीं है। और ये जो मेरा दूसरा हाथ, ये थोड़ी बहुत ऊपर जो मेहंदी लगी हुई है, ये मैंने पहले तो अपनी फ्रेंड को लगाई थी, इसी वजह से इसका ये हशर हुआ। वैसे समझ गए होंगे आप देख कर। तो जी ये भी ड्राई होने वाली है, राइट हैंड वाली तो पहले ही ड्राई हो चुकी थी, बल्कि वो मेहंदी भी मैंने रिमूव कर दी थी। अब मैं ये लेफ़्ट हैंड से रिमूव कर रही हूँ मेहंदी, तो मैंने धो भी लिया है, धोने के बाद ज़्यादा कलर आता है। और अब ये ड्राई हो चुका है, यानी कि इस तरह भी अगर मेहंदी लगी जाए तो वेरी नाइस लुकिंग, इस तरह भी अच्छी लुक आती है। लेकिन अगर थोड़ी डिज़ाइनिंग करनी है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन अब हम यहाँ पर ये थोड़ी सी मैं वैक अप्लाई करूँगी अपने हैंड्स पर ताकि जो एक्स्ट्रा हेयर है वो रिमूव हो जाए। इसका प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है, और वैक्स अप्लाई करने के बाद अमूमन कोई भी लोशन लगा सकते हैं ताकि जो रैशेस वगैरह वो ना हो, तो इसीलिए अभी फ़िलहाल ये लोशन अप्लाई किया जा रहा है। जो राइट हैंड पे मेहंदी लगानी थी वो मैं पहले ही लगा चुकी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है मेरे लिए खास तौर पर, क्योंकि मैं राइट हैंड से करती हूँ राइटिंग वगैरह और ज़्यादा काम भी। और अब ये लेफ़्ट हैंड से राइट हैंड पे मेहंदी लगा रही हूँ। और ये
बहुत सिंपल मेहंदी जो है इस बार मैं लगा रही हूँ। ज़्यादा सिंपल डिज़ाइन है, हर कोई इजीली लगा सकता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और थैंक यू सो मच कि आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला और वीडियो देखी। सबको चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो और मीठी ईद की मीठी खुशियाँ बांटें, खुश रहें और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। ओके, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।